नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:40 के उपरांत आप सभी के जीवन काल में वह चमत्कार होने वाले हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आपकी जीवन की एक नई दिशा शुरू होने वाली है। दोस्तों यूँ कहें तो यश में आप सभी के जीवन काल में वो बड़ी खुशखबरी आने वाली है, वो बड़े महत्वपूर्ण समय आने वाले हैं जिनसे आप सभी का जीवन पूरी तरह धन्य हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों बातों को बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ग्रहों की जो स्थिति बन रही है हम उनका ही फल आपको बता रहे हैं। अगर आप बातों को गौर से सुनेंगे, अगर आप बातों को ध्यान में रखकर कार्यों को करेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए यश में मिलने वाला लाभ आपको बहुत ही ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी की कुंडली में माता लक्ष्मी का परम शुभ योग का निर्माण होने जा रहा है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के लाभ के क्षेत्र की स्थिति है वह बढ़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर आपको रुकावटें मिल रही थी दोस्तों, वहाँ पर अब आपको लाभ के नए नए मौके खुलने वाले हैं। जी दोस्तों, जिस कार्य में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत किए हैं, जिस क्षेत्र में आपने बहुत ही ज़्यादा परिश्रम किए हैं और परिश्रम करने के बाद भी आपको फल अभी तक नहीं मिला था, आप मायूस हो गए थे दोस्तों, उन जगहों से अब आपको वो अच्छी फल मिलने वाली है जो आप सोचते थे। दोस्तों वे सभी कार्य यश में आपके बनने वाले हैं। जी दोस्तों एक शब्दों में कहें तो दोस्तों यश में आप सभी के लिए अमृत बेला का समय है। दोस्तों यूँ कहें तो सर्वसंपन्न हर गुणों को यश में आपकी तारीफ होने वाली है, हर बातों का आपको जवाब मिलेगा, हर चीज़ों को आप दिल से महसूस कर पाएंगे। जी दोस्तों, खुशियों भरा जीवन आप सभी का शुरू हो जाएगा, बशर्ते आज के इस वीडियो में हम जो महत्वपूर्ण बात आपको बताने वाले हैं, जो बड़ी सावधानी आपको बताने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आपको कान लगाकर सुननी होगी। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि ग्रहों की स्थिति शुभ ना हो तो दोस्तों व्यक्ति सब्र करता है, और दोस्तों जब ग्रहों की स्थिति शुभ हो जाए तो दोस्तों व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए, कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी व्यक्ति इस कलयुग में सबसे आगे निकलता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री हरि विष्णु जी ने भी यह बात कही है कि इंसान इस धरती पर सब कोई है, सब कोई आगे बढ़ रहा है, सब का जीवन मरण तय है, लेकिन जो व्यक्ति समय के साथ अपने कर्मों में बदलाव करते हैं उनके जीवन काल में हमेशा नए नए शुभ लाभ आते रहते हैं, हमेशा नए नए कार्य बनते रहते हैं जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं करता। जी हाँ दोस्तों, और कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण स्थिति अब आप सभी की झोली में भी आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, माता लक्ष्मी का शुभ आशीर्वाद अब आप सभी को प्राप्त होने वाला है, जिनके कारण दोस्तों आप सभी के जीवन काल में अब 4 चांद लग जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 5:40 के बाद से दोस्तों आपकी महत्वपूर्ण समय की शुरुआत होने वाली है, तो दोस्तों हर बात को आप ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारी बताई गई इन बातों को ध्यान से सुन लेंगे तो दोस्तों यकीन मानिए इस कलयुग पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे, जो आपकी सफलताओं को रोक दे। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम के 5:40 के बाद से आपकी कुंडली में यश में माँ लक्ष्मी नाम का शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि शुक्र की स्थिति आप सभी के कुंडली में पहले से काफ़ी बेहतर है, जिनके कारण दोस्तों यश में माँ लक्ष्मी के असीम आशीर्वाद आप सभी के झोली में आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से कहें तो ग्रहों की जो स्थिति है इनमें 2 बड़े राजयोग का निर्माण होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यश में सौभाग्यशाली नाम का राजयोग का निर्माण होगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में आपको बता दें कि आपके जीवन काल में अमंगल की घटनाओं को मंगल में आप बदल पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में मंगलकारी राजयोग का भी निर्माण होगा, जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवन काल में सारे कार्य मंगल स्थिति में आ जाएंगे, अगर आप बताए गए सावधानियों को रखेंगे, बताए गए कुछ गलतियों को ना करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वीडियो बहुत ही खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, सर्वप्रथम जो भी माता लक्ष्मी जी के सच्चे पीर भक्त हैं दोस्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे दिल से जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। दोस्तों माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, जीवन काल के सारे आपके कष्ट धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे।
जो भी परेशानियां हैं, जो भी संकट है, वह धीरे धीरे लुप्त हो जाएंगी। और अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। जी दोस्तों, इनमें आपको समय समय पर आपकी राशि से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जुनकाल की वह समय आने वाली है जिनका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, मान लो कि आपके कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, जिस कार्यों में आपने पिछले कई समय से मेहनत कर रहे थे दोस्तों, उनका फल यश में आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी यश में आपको मिलेंगी जिनसे घर परिवार खुशियों में झूमेगा। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए आप सभी के जुनकाल में आज शाम से वह परिवर्तन होने वाले हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जुनकाल में माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से वो बड़ी घटनाएं होने वाली है जिनसे आप हर क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ते फिरेंगे। जी हाँ दोस्तों, जिन लोगों को कार्य में बाधा मिल रही थी, जिन लोगों को कार्य की प्राप्ति नहीं हो रही थी दोस्तों, यश में आपको कार्य क्षेत्र में नए नए मौके मिलने वाले हैं। जिनको बहुत दिनों से कार्य की तलाश थी दोस्तों, यश में उनका तलाश खत्म होने वाला है और माँ लक्ष्मी के आशीर्वाद से अब आपको नए कार्य की प्राप्ति होने वाली है, नए जॉब मिलने वाले हैं। जिन लोगों ने कहीं पर पेशा इन्वेस्ट किए थे दोस्तों, उन्हें भय लग रहा था कि वह पेशा उनका डूब जाएगा, तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि यश में आपका वह पेशा आपको वापस मिलने वाला है और दोस्तों दुगुनी अवस्था में मिलने वाला है, जिससे दोस्तों आपकी खुशियों की कोई ठिकाना नहीं होगी। जी दोस्तों, साथ ही साथ हम आप शिव को बता दें कि अश्मि ग्रहों की चाल और समय बता रही है कि आप सभी के जुनकाल में खुशियों के नए दौर शुरू होने वाले हैं। यश में आपको घर परिवार की साथ मिलने वाली है, घर परिवार में खुशियों भरा माहौल रहने वाला है। जी दोस्तों, परिवार का, भाई का, बहन का, अपने बच्चों का सहयोग से यश में आप सफलता के नए कीर्तिमान को स्थापित करने वाले हैं। जुनकाल में लाभ के इतने सारे मौके खुलने वाले हैं कि दोस्तों आप थक जाएंगे कि यह सफलता हमारे लिए सही होगी या फिर यह सफलता। जी हाँ दोस्तों, कि दोस्तों आप शिव को बता दें कि यश में शुक्र और जो माँ लक्ष्मी नाम का शुभ योग है, इनके कारण सौभाग्यशाली नाम का शुभ योग का निर्माण होगा, जिससे दोस्तों आपको हर क्षेत्र में सौभाग्य की प्राप्ति होगी। हर क्षेत्र में आपके कार्य मंगल होंगे। मंगलकारी नाम का राजयोग का निर्माण आप शिव के जुनकाल में आपको ऐसे कार्य दिलाने वाले हैं जिससे दोस्तों समाज में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जिस क्षेत्र में आपका नाम बदनाम हो रखा था दोस्तों, उस क्षेत्र में भी आपका अब नाम ऊपर आने वाला है, जिससे दोस्तों खुशियों की आप कभी भी कल्पना भी नहीं किए होंगे वो खुशखबरी आपको महसूस होगी। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों हम आपको सावधानियां बता दें कि यश में मिलने वाली सफलताओं पर आपको बिल्कुल भी अहंकार नहीं करना है और दोस्तों जो भी खुशखबरी आपको गुप्त तरीके से मिल रही है दोस्तों, उन सारी खुशखबरी को आपको किसी अन्य लोगों के पास बिल्कुल भी शेयर नहीं करना है। बस आपको ईश्वर का धन्यवाद करना है, अपने माता पिता का धन्यवाद करना है, माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करना है। दोस्तों इनसे आप शिविर के जुनकाल में जो भी आपने गलतियां की है दोस्तों, उनका भी आपका पश्चाताप होगा और जो भी आपके कार्य आपकी किस्मत में है दोस्तों, वे आपकी ओर खींचता चला आएगा। कि दोस्तों व्यक्ति का गुण उनके सारे कर्मों का फल दिलाता है। दोस्तों व्यक्ति का अवगुण ही उनके नसीब के फल से दूर कर देता है। तो दोस्तों यश में आपको इन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों हम आप शिव को बता दें कि आपको जितना हो सके अपने से नीचे जरूरतमंद व्यक्तियों को जरूर ही सहयोग करना है। दोस्तों इनसे भगवान शनिदेव प्रसन्न होते हैं और भगवान शनिदेव के प्रसन्न होने से आपके कर्मों का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आप शिव को बता दें कि यश में आपको अपने जुनकाल में कुछ गलती को करने से बचना होगा। जी दोस्तों, पिछले कई समय से आप इन्हीं गलतियों को कर रहे हैं जिनके कारण आपको लगातार कार्यों में सफलता मिलने के बाद भी असफलता हाथ लग जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि कार्य आपका सफल हो गया है, लेकिन दोस्तों एंड में आपको पता चलता है कि वह कार्य आपका असफल हो गया है। तो दोस्तों इनके पीछे का रहस्य को अब आपको जानना होगा और जो गलतियां आप दोहरा रहे हैं दोस्तों, उन गलतियों को अब आपको भूल कर भी नहीं दोहरानी है। जी दोस्तों, और दोस्तों वह गलती है कि किसी पर भी आंख मूंद कर अब आपको आने वाले समय में भरोसा नहीं करना है। जी दोस्तों, आज शाम से ही आप सभी के कुंडली में माँ लक्ष्मी के ये सारे रास्ते खुलने वाले हैं, जिससे दोस्तों लाभ के आपको अनेक सारे मौके मिलने वाले हैं।
इनके कारण दोस्तों आपकी जून काल में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आएंगे जो कि आपको सलाह देंगे, जो कि आपको प्रसन्नता का एहसास कराएंगे, जो कि आपकी तारीफें करेंगे जी दोस्तों। लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा कि इनमें से कौन व्यक्ति आपका अपना है और कौन सा व्यक्ति आपका अपना नहीं है जी दोस्तों। जो व्यक्ति आपको सुख में आकर आपसे मीठे मीठे बातें करते हैं, तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि दोस्तों ऐसा व्यक्ति आपके आने वाले समय के लिए बहुत ही बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए दोस्तों उन व्यक्तियों से अब आपको सावधान रहना होगा जी दोस्तों। समय की पहचान करके अब आपको आगे बढ़ना होगा। जून काल में आपसे गलती हुई है, लेकिन दोस्तों आने वाले समय में अब आप वह गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों अब आपको व्यक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना होगा जी दोस्तों। और दूसरा जो चीज़ है दोस्तों वह है कि अब आपको समय के साथ अपने घर परिवार और माता पिता और दोस्तों ईश्वर पर समय देना है जी दोस्तों। आपको बता दें कि इस धरती पर लाने वाले माता पिता भगवान से कम नहीं, उनका दिया गया आशीर्वाद हमारे जीवन काल में कई सारे मुसीबतों में हमें बहुत ही बड़ा सहायक शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों समय निकाल कर अपने माता पिता के लिए, ईश्वर के लिए आप ज़रूर ही कुछ समय दें दोस्तों। इनसे ईश्वर माता पिता सभी प्रसन्न होंगे और जीवन काल में आप हमेशा खुशी खुशी प्रगति करते जाएंगे जी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी का जीवन काल में बहुत ही बड़े बदलाव होने वाले हैं दोस्तों। आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वह खुशखबरी आपके कार्यक्षेत्र को लेकर हो सकती है, या फिर आपके पारिवारिक जीवन को लेकर हो सकती है, या फिर आपने जिस क्षेत्र में मेहनत किए हैं उनके लिए हो सकती है दोस्तों। एक प्रकार से कहें कि कर्मों का फल आज शाम से आपको मिलकर ही रहेगा। पर दोस्तों जो बातें हमने आपको बताई है उन बातों का ध्यान रखना है, और दोस्तों अपने जीवन काल में कभी भी अहंकार को आने नहीं देना है दोस्तों। इनसे व्यक्ति का पतन होता है। अहंकार व्यक्ति को बहुत ही नीचे लेकर जाता है, जहाँ व्यक्ति सोच नहीं सकता जी हाँ दोस्तों। समय आपके लिए अनुकूल है, सभी बातों का आपको ध्यान रखना है जी हाँ दोस्तों। आप सभी को बता दें कि आज शाम से आप सभी के जीवन काल में जो भी बड़े महत्वपूर्ण बदलाव होने वाले हैं दोस्तों, इन्हें देखकर सारे गांव मोहल्ले में हड़कंप मच जाएगा। सभी लोग कहेंगे कि वह क्या किस्मत है, सभी लोग कहेंगे कि किस्मत हो तो ऐसी जी हाँ दोस्तों। परंतु आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हर एक बातों पर आपको यकीन नहीं करना है, बस आपको वही करना है जो आपके दिल कहता है। जो आप कर्म कर रहे हैं वह कर्म सत्य है या फिर असत्य है, सही है या फिर गलत है दोस्तों, इन सभी बातों को आपको गौर से समझना है और दोस्तों तभी कार्यों को आगे लेकर जाना है दोस्तों। इनसे आप अपने जीवन काल में हमेशा सर्वोच्च संपन्न बने रहेंगे और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद यूं ही आपको प्राप्त होता ही रहेगा जी हाँ दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक उपाय बता दें कि दोस्तों शुक्रवार के दिन आप माता लक्ष्मी के मंदिर में जाकर माता लक्ष्मी की आरती जरूर कीजिएगा। शायद दोस्तों घर में भी आप शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी का आप जरूर ही आरती कीजिएगा दोस्तों। इनसे माता लक्ष्मी का असीम आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा। जून काल में जो भी विघ्न बाधाएं हैं वो भी समाप्त हो जाएंगी, और जो भी दुश्मन आपको परेशान करते हैं दोस्तों उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगा दोस्तों। सर्वसंपन्न आप सभी का जीवन हो जाएगा दोस्तों, इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिएगा। शायद दोस्तों और ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।